अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। पिछली क्लास में एक सवाल लिखवाया था, वो सॉल्व करते हैं। हम टाइमलाइन 0, 1, 2, 3, 4 सेल्स 80, 90, 100, 110 कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं आप, लिख दी सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट हो गई इनका 40%, 32, 36, 40, 44 फिक्स कॉस्ट 6,000 अच्छा मैं ना इसी सवाल को 3 दफा सॉल्व करूंगा आपको, मैं 3 प्रेजेंटेशन बताने लगा हूं। अभी इस वक्त जितनी लाइनें लिखी इनका टोटल करें, 42,000, 48,000, 54,000, 60,000 ये प्रोजेक्ट हर साल इतना नेट कैश जनरेट करके देगा। मैंने प्लांट वाली लाइन नहीं लिखी है, अभी हर साल इतना कैश जनरेट करके देगा। अगर यही प्रॉफिट है जो कि ठीक है होना भी चाहिए, इतना कमा के देगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा। कितना टैक्स? 30%। तो इस पर लग जाएगा 30% टैक्स। ये बात जबानी ही काफी है, वैसे तो मैंने किताब में कहीं लिखी भी हुई है लेकिन जबानी याद रह जाएगी आपको कि जब तक टैक्स की पेमेंट के बारे में कुछ और ना बताया हो
तो उसी वक्त टैक्स पकड़ा देते हैं, यानी साल खत्म हुआ 5-10 मिनट में रिटर्न जमा कराएंगे, उसी वक्त बच्चे को भेजेंगे पैसे जमा कराएगा, तो जिस साल का टैक्स उसी साल पे हो जाएगा। अगर इसमें कुछ चेंज हुआ तो सवाल में बताया जाएगा। तो इसका टैक्स कितना बना? 12,600 आउटफ्लो, टैक्स पे कर रहे होंगे 14,400, 16,200, 18,000। प्रोजेक्ट के नेट कैश फ्लोज और उन पे पड़ने वाला टैक्स। लेकिन इसमें मसला ये है कि प्रोजेक्ट के ये कैश फ्लोज हैं, टैक्स कैश फ्लोज पे नहीं पड़ेगा, टैक्स तो प्रॉफिट पे पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ वो एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं अभी जो पे कर रहे हैं, जबकि नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होते हैं। और अभी तो हमें बिजनेस आगे बढ़ेगा प्रोजेक्ट तो बाकी नॉन कैश पता चलेंगे, बैड डेट है कि नहीं है, लेकिन एक नॉन कैश अभी पता है, डेप्रिसिएशन, वो अभी माइनस नहीं होगी, हालांकि वो भी अलाउड होगी और प्रॉफिट पे टैक्स पड़ेगा। लेकिन अभी इस वक्त जो कैश फ्लोज लिखे हैं वो कैश फ्लोज लिखे हैं, तो ये सही टैक्स नहीं है। डेप्रिसिएशन होती तो ये टैक्स इतना होता या कम होता? क्यों कम होता? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें टैक्स बचा के देता है, जब अलाउबल डिडक्शन है तो प्रॉफिट कम आ जाता, डेप्रिसिएशन टैक्स बचा के देती है। तो डेप्रिसिएशन ने टैक्स चूंकि बचाना था तो उसके टैक्स को हम एज एन इनफ्लो दिखा देंगे, डेप्रिसिएशन के टैक्स को हम इनफ्लो दिखाएंगे क्योंकि उसने टैक्स बचा के देना है। वैसे सवालों में होती नहीं है स्ट्रेट लाइन, अभी चूंकि मैं पहला सवाल करा रहा हूं उससे स्ट्रेट लाइन है, वरना रिड्यूसिंग बैलेंस ही होती है। अब चूंकि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के बराबर ही मान लिया तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट जो कि है 120 माइनस आरवी डिवाइडेड बाय लाइफ, ये हो गई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। हर साल इतनी ही होगी और ये कितना टैक्स बचा के देगी? 30%। तो डेप्रिसिएशन पे टैक्स रेट लगा के जो आंसर आएगा उसको हम इनफ्लो दिखाएंगे क्योंकि हमें वो टैक्स बचेगा। अब और वो जो टैक्स बचेगा ना, वो इसलिए उसको इनफ्लो दिखाएंगे क्योंकि जो ऊपर आउटफ्लो लिखा हुआ है वो असल में सही नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि वो टैक्स ज्यादा आउटफ्लो दिखा दिया हमने, तो उसको कम करने के लिए हम डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग इसमें से नेट कर देंगे 80, और चूंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए हर साल इतना ही होगा। एक ये ट्रीटमेंट है टैक्स की कि प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज लिखें, उनका नेट टोटल करें, उन पे टैक्स लगाएं आउटफ्लो, लेकिन डेप्रिसिएशन पे टैक्स रेट लगा के उसको इनफ्लो दिखा दें। तो एक टैक्स आउटफ्लो की लाइन और एक टैक्स सेविंग इनफ्लो की लाइन, एक ये ट्रीटमेंट है। बाकी इसके बाद फिर प्लांट वाली लाइन, यहां 0 पे 120 और यहां 12,000। और डिस्काउंट रेट बताया था 12%, 12 कहा था मैंने, 37,500, ये 417, ये भी गलत है,
4,500 ये भी गलत है। ये 89 बस 3 डेसिमल कर ले, वैसे 2 डेसिमल में भी कोई मसला नहीं होता। 6 3 6 6 नीचे मल्टीप्लाई और फिर एनपीवी देखें। कितनी आ गई एनपीवी? 18900 पॉजिटिव। एक ये है टैक्स की प्रेजेंटेशन कि आप प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज बनाएं और उनका नेट टोटल करें, उस पर टैक्स रेट लगा के उसको आउटफ्लो दिखाएं, और एक और लाइन बनाएं जो कि डेप्रिसिएशन पे टैक्स बचेगा। तो ये 2 लाइनें टैक्स की अलग अलग प्रेजेंट होंगी। प्लांट की लाइन इधर नीचे क्यों लिखी है, इसको ऊपर क्यों नहीं लिखा? इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इस 12,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। 12,000 प्रॉफिट है नहीं तो ये टैक्सेबल नहीं है एसेट का बेचना, तो फिर उसके ऊपर क्यों नहीं लिखा? अरे वो तो कुछ भी अभी नहीं किया, तो कुछ भी नहीं है अभी किया, अगर बेचा नहीं है तो फिर ये भी नहीं किया अभी। 12,000 पे नहीं टैक्स लगना, टैक्स प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पे लगना है, टैक्स प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पे लगना है। और अभी इस वक्त जो मैंने ये वाला तरीका बताया, नहीं ये वाला तरीका नहीं, इसमें जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया है तो उसमें प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आएगा ही नहीं, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन ही
12 माइनस करके कैलकुलेट की तो जब 4 साल पूरे गुजर जाएंगे तो इस एसेट की बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी, 12, बिकेगा भी 12 का तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप इसको ऊपर लिख देते तो 12,000 के ऊपर टैक्स आ जाता, हालांकि टैक्स इस पे नहीं लगना, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पे लगना है। जब मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कराऊंगा तो उसमें बिल्कुल प्रॉफिट या लॉस डिस्पोजल आया करेगा, उसको हम लिखा करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। टैक्स इस पे नहीं लगना, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पे लगना है। इस स्ट्रेट लाइन में तो था ही नहीं, होता ही नहीं प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, क्योंकि डेप्रिसिएशन ही ऐसे कैलकुलेट की जा रही है। अदरवाइज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ले आऊंगा, लेकिन तब भी इस लाइन को टैक्स के नीचे ही लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको ऊपर लिख दिया तो टोटलिंग में 12,000 शामिल हो जाएगा और 12,000 पे टैक्स लगा देंगे आप लोग। इसलिए प्लांट की लाइन को इसके बाद लिखना। इसको नोट कर लें तो मैं दूसरा फॉर्मेट बताता हूं टैक्स का। हाँ जी, नोटेड। अच्छा, तीन फॉर्मेट बताऊंगा, सवाल को तीन दफा सॉल्व करूंगा, लेकिन तीन अलग अलग है, इनको मिक्स नहीं करना, तीन अलग अलग है। दूसरा फॉर्मेट बताता हूं, ये आपको मैंने फॉर्मेट इसलिए बताया, वरना ये मुझे उतना पसंद नहीं है फॉर्मेट, मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप ये वाला बहुत यूज करें, लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज सिखानी थी कि कुछ खर्चों पे टैक्स का बचना इनफ्लो होता है, इससे बस ये चीज सिखानी थी। उसके अलावा मैंने कोई ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी इस मेथड को, कि खर्चे का टैक्स बचना इनफ्लो है, बस ये सिखाना था इसमें से। दूसरा तरीका बताता हूं, और ये जो दूसरा तरीका बता रहा हूं ये परफेक्ट ये भी नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के टॉपिक में ये ज्यादा अच्छा चलेगा। ये जो पहला भी लिखा है ना, इसको ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी मैंने भी, आपने भी। अब जो दूसरा लिखने लगा हूं वो दूसरा तरीका वैल्यूएशन वाले चैप्टर में ज्यादा अच्छा चलेगा, उसको हम वैल्यूएशन में जरूर लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले टॉपिक में तीसरा वाला प्रेफर करिएगा, दूसरा तरीका सिखाने लगा। आप तो ये दोबारा ही बनाएंगे, दूसरा तरीका बता रहा हूं। दूसरा तरीका ये है कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की उसको यहां फेस पे ही लेस कर दें, डेप्रिसिएशन को फेस पे लेस कर दें। अच्छा, मैंने सवाल में कहा कि टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के बराबर है, यहां से अगर मैं डेप्रिसिएशन लेस कर दूं जो कि एक साल की बनेगी, नहीं यार 27, अच्छा 27, फिर करें इनका टोटल, पंद्रह हजार देख लेना यार, इधर 33,000। जो पहले नेट किया था और जो अब नेट किया है, ये प्रॉफिट है। ये क्यों प्रॉफिट है? क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, क्योंकि अब ये प्रॉफिट है तो इस पे जब आप टैक्स रेट लगाएंगे तो वही असली वाला टैक्स होगा जो हम पे करेंगे। अच्छा, इस सवाल में मैंने कहा था टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के बराबर है। अगर डिफरेंट होती तो हम ये जो सारा कुछ इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं ये हम कोई इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं? नहीं। ये डेप्रिसिएशन यहाँ से क्यों लेस की है? ये क्यों लेस की है? ताकि प्रॉफिट निकले और उस पर, तो ये कौन सी डेप्रिसिएशन माइनस होगी? ये टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन होगी। अगर सवाल में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन दोनों दी हुई है तो ये टैक्स डेप्रिसिएशन है।
टैक्स आउटफ्लो अब ये सही वाला निकला है, अब वो सेविंग एड बैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टैक्स प्रॉफिट पे ही टैक्स निकला है। लेकिन इस वक्त जो सामने किया हुआ है इसमें एक गड़बड़ ये हो गई कि हम तो ये कैश फ्लोज बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो नहीं है तो उसको ऐड बैक कर देते हैं, तो वो जो डेप्रिसिएशन माइनस की थी उसको वापस ऐड बैक कर देंगे। तो जो टैक्स लेस किया था वो भी ऐड बैक कर देंगे। अच्छा डेप्रिसिएशन ऐड बैक ही करनी थी तो फिर लेस क्यों की थी? प्रॉफिट निकालने के लिए लेस की थी ताकि प्रॉफिट निकले, उस पे टैक्स लगे, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक क्यों कर दी? क्योंकि ये कैश फ्लो नहीं है, हम तो कैश फ्लो बना रहे हैं। तो इसलिए दूसरी प्रेजेंटेशन टैक्स की ये है कि डेप्रिसिएशन कैश फ्लोज में नेट कर दें, जो आंसर निकले उस पर टैक्स लगाएं और बस डेप्रिसिएशन माइनस करने का मकसद पूरा हो गया। अब डेप्रिसिएशन बाहर निकाल लें, ये टैक्स को ट्रीट करने का दूसरा फॉर्मेट, डेप्रिसिएशन लेस, नेट आंसर पे टैक्स और फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक, कैश फ्लो एंड पे वही आएंगे, एनपीवी वही आएगी। ये दूसरा फॉर्मेट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सवालों में भी बेशक आप ये यूज कर लें, लेकिन ज्यादातर इसको हम वैल्यूएशन में करेंगे यूज। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सवालों में जो तीसरा फॉर्मेट बताऊंगा उसको प्रेफर करिएगा, है वो अफजल है। नोटेड, तीसरा फॉर्मेट ये प्रेफर करिएगा, तीसरा वाला। इनका टोटल करिए, वही पहले वाले ये फिगर्स बता दें।
42,000, 48,000, 54,000, 60,000. टैक्स इस पे नहीं लगेगा क्योंकि टैक्स लगता है प्रॉफिट पे, तो टैक्स की हम करेंगे वर्किंग। ये प्रेफर्ड है एडवांस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। टैक्स की वर्किंग ये होगी कि ईयर 1, 2, 3, 4 नेट कैश फ्लोज तो हम वहां कर चुके, ईयर 1 का 42,000, 48,000, 54,000, 60,000, लेकिन टैक्स प्रॉफिट पे लगना है। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करूं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं 27,000, प्रॉफिट आ जाएगा 15,000, 21,000, 27,000, 33,000, ये प्रॉफिट है। इस पे लगा देते हैं 30%, 4,500, 6,300, 8,100, 9,900, बस ये फिगर चाहिए थी। और रिडेम्पशन ऐड बैक कर दें? नहीं, हमने ये अलग वर्किंग ही बस सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए थी। प्रॉफिट निकाला, उस पर टैक्स निकाला या टैक्स, अब वहां लिख देते हैं इसको। ये तीसरा फॉर्मेट है, लेकिन इसी को आप फॉलो करिएगा, बेहतर है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यही प्रेफर करिएगा। Thank you.
जी ये भी नोटेड। इन तीनों फॉर्मेट्स पे और कर ले, मैं तीनों फॉर्मेट्स रिपीट करता हूँ। पहले में क्या किया, कैश फ्लोज लिखे, उनका नेट टोटल किया, उस पर टैक्स लगाया और टैक्स डेप्रिसिएशन की भी दिखाई। दूसरा फॉर्मेट डेप्रिसिएशन लेस की, जो प्रॉफिट निकला उस पर टैक्स लगाया, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी। तीसरा फॉर्मेट टैक्स की अलहदा वर्किंग की, उस पर जो टैक्स निकला वो यहाँ पर एज एन आउटफ्लो दिखा दिया। ये अफजल है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सवालों में। इसकी और वराइटियों की प्रैक्टिस करते हैं, चलें इसकी और वराइटियाँ देखते हैं। सवाल लिखें, प्रोजेक्ट लाइफ 4 साल, प्लांट की कॉस्ट, $150,000, नहीं टैक्स ही है अभी मैंने नमाज के दौरान कुछ नहीं पढ़ाया वही है जहां पे छोड़ के गया था। क्या लिखवाया बता रही, प्लांट की कॉस्ट 150,000, आरवी 25,000, टैक्स रेट बता दिया, टैक्स रेट 30%, टैक्स डेप्रिसिएशन 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, सेल्स यूनिट्स में, ईयर वन में 7,000, ईयर टू में 6,000 यूनिट्स बता रहा हूं ये, फिर 6,500 और फिर 7,200, 7,000, 6,000, 6,500 और 7,200। सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट्स पर यूनिट 5, 5, फिक्स्ड कॉस्ट्स 10,000 पर ईयर, 10,000 रुपए पर ईयर, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 11%। अच्छा, चूंकि सवाल में सेल्स रुपए नहीं दिए हुए, यूनिट्स दिए हुए,
तो एग्जामिनर को हम ये बता देंगे कि जो तुमने यूनिट्स दिए हुए हैं वो यूनिट्स ले रहे हैं हम और इनटू 15 करने लगे। ये एग्जामिनर के लिए काफी है कि हम ये कैसे निकाल रहे हैं। वन जीरो फाइव ट्रिपल जीरो कितना 90,000 97500 108,000 इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट, और ये पहले भी जो कहा था सेल और वेरिएबल आप नेट करके कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं इनटू 5 रुपए 35,000 30,000 32,500 और 36 फिक्स कॉस्ट 10,000 इनका नेट क्या जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये नेगेटिव। ठीक, चले यहां तक पहुंचे, फिर डेप्रिसिएशन बताता हूं। हाँ जी, यहाँ तक। अच्छा, अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसलिए इसकी एक अलग वर्किंग होगी। कॉस्ट 150, पहले साल की डेप्रिसिएशन 25% 37,500 कितना रह गया 112,500। अच्छा, आगे सवालों में ना इस तरह की डिटेल्स होंगी, यानी टैक्स की थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट हो रही होंगी। वैसे एक अभी बता देता हूं, अगर सवाल में कहा होता कि 30% इनिशियल अलाउंस भी है तो पहले साल में दो डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट होती। ईयर वन में इनिशियल अलाउंस भी कैलकुलेट होता, फिर जो बाकी बचता उस पर 25% भी कैलकुलेट होता, तो उसमें फिर ईयर वन की दो डेप्रिसिएशन होती, ईयर टू में फिर 25% 28,125 बाकी रह गया 84,375, ईयर थ्री में 25%
21094, फिर 63281। अच्छा, वैसे तो टैक्स पर्पजेस के लिए फुल ईयर डेप्रिसिएशन, तो चौथे साल में डेप्रिसिएशन नहीं होगी, लेकिन अक्सर सवालों में ऐसा होता है कि आपको आरवी बताने की बजाय ये कह दिया जाएगा कि जो आखिर में बुक वैल्यू बची होगी वही आरवी मान लेना। तो इसलिए आप इसकी आदत रखिए कि आखिरी साल भी करनी है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। 15820, बाकी क्या रह जाएगा? 47461। अच्छा, ये हो सारी एस्टिमेशन ही रही हैं, इसमें से एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ है अभी, ये सब फोरकास्ट हो रहा है जी। देखिए, टैक्स में जो डेप्रिसिएशन है वो फुल ईयर बेसिस पे ही कैलकुलेट होती है। इसका मतलब है कि पहले साल सारी डेप्रिसिएशन, आखिर में कुछ भी नहीं, आखिरी साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं। तो उस लिहाज से चौथे साल की डेप्रिसिएशन तो बनती नहीं है, जो भी होगा चौथे साल में प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। तो इसलिए चौथे साल की डेप्रिसिएशन की बजाय डायरेक्टली हम प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल लेते। लेकिन आप आखिरी साल में भी डेप्रिसिएशन की आदत रखिए, क्योंकि कुछ सवालों में ऐसा भी होगा कि अभी तो मैंने आरवी बताई है ना, कितनी, 25। हो सकता है किसी सवाल में कह दिया जाए कि जो एंड पे बुक वैल्यू होगी वो वही आरवी होगी, या उसकी 20% लगा के आरवी होगी। तो इसलिए आप आखिरी साल की भी डेप्रिसिएशन रखें कैलकुलेट। अब ये तो हो गई चार साल की डेप्रिसिएशन, लेकिन चार साल बाद ये बिकेगा कितने का? एक्चुअली तो तब होगा जो होगा, अभी सारी एस्टिमेशन है, 25 का बिकेगा। तो अब जब चौथे साल में वो 25 का बिकेगा, तो इसका मतलब है कि 22,000 का लॉस हो जाएगा। ये भी एक अलाउबल डिडक्शन है। प्रॉफिट आता तो वो टैक्सेबल चीज होती। तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग में आखिरी साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आरवी से कंपेयर करके गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल भी निकलेगा। ये डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन डिस्पोजल अब टैक्स की वर्किंग में आ जाएगा। और आखिरी साल में लॉस ऑन डिस्पोजल भी आएगा। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होता तो मैं उसको यहां इनकम ले लेता ऐड। बाईस पांच सौ 21807532 3 2 8 0 6 9 0 6 3 2 9 8 2 3 7 1 9 7 1। इस पे लग जाएगा टैक्स। हाँ हो जाएगा, हुआ नहीं, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा,
चौथे साल में अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना करते तो कोई बात नहीं, चौथे साल में बुक वैल्यू आ रही होती 63,281, 25 का बेचते थ्री एट टू एट वन, ये हो जाता लॉस। चौथे साल में इतनी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, इन दोनों को मिलाएं क्या नहीं देखें वो वर्किंग क्यों कर रहे हैं, नहीं 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 वो वर्किंग कर ही क्यों रहे हैं, टैक्स कैलकुलेट नहीं, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ना, प्रॉफिट निकाला गया, ये प्रॉफिट निकलेगा इस पे टैक्स रेट लगेगा, टैक्स रेट के लिए हम ये टैक्स की अमाउंट निकालने के लिए वर्किंग कर रहे हैं। अब ये 15,000 डेप्रिसिएशन के नाम से लेस करें, 22,000 लॉस ऑन डिस्पोजल के नाम से करें, या फिर इनको मिला के 38,000 लॉस के नाम से कर दें, एंड रिजल्ट तो एक ही आएगा ना, कैलकुलेशन के एतबार से तो कोई फर्क नहीं आया। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप आखिरी साल में डेप्रिसिएशन करें कैलकुलेट, क्योंकि कभी कभार सवाल में वो आरवी देने की बजाय उसको उस वक्त की डब्ल्यूडीवी से कुछ ना कुछ रिलेट करके पहेली बना देगा, इसलिए डेप्रिसिएशन करें कैलकुलेट। नहीं नहीं टैक्स वाला रेट, रेट टैक्स का होगा, लेकिन हम डेप्रिसिएशन इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम जो लॉस गेन आए वो हमारा अकाउंटिंग की बेसिस पे लॉस गेन आए, लेकिन वो वर्किंग क्यों कर रहे हैं टैक्स निकालने के लिए ना, तो आप इसको पूरा का पूरा लॉस ऑन डिस्पोजल कह लें, हम कोई रिटर्न तो नहीं भर रहे ना। देखो अगर आप चौथे साल में टैक्स डेप्रिसिएशन ना कैलकुलेट करें तो लॉस ऑन डिस्पोजल 38 आ जाएगा, और अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें तो ये भी एक अलाउएबल एक्सपेंस हो गया, फर्ज करो उन्होंने अलाउ कर दिया, तो उसके बाद फिर लॉस ऑन डिस्पोजल थोड़ा रह जाएगा। इन बोथ केसेस चौथे साल में कितनी डिडक्शन अलाउ हो रही है, 38, तो एंड रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना, हम कौन सी टैक्स रिटर्न भर के या लाइन आइटम्स के हिसाब से टैली कर रहे हैं, मकसद तो है चौथे साल का टैक्स तो उतना ही निकलेगा या चेंज हो जाएगा। अब आप इसको डेप्रिसिएशन नहीं कहना ना कहें, आप आखिरी साल में डेप्रिसिएशन ना लें, सारा का सारा लॉस ऑन डिस्पोजल ले लें, एंड रिजल्ट तो सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा सेम। नहीं, बीएफडी का पेपर है ना, बीएफडी का पेपर है, टैक्स का पेपर नहीं है। तो डेप्रिसिएशन की सवाल में इंफॉर्मेशन, हमें सवाल में डेप्रिसिएशन चाहिए क्यों, टैक्स कैलकुलेट, तो अगर वो डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो फिर वो टैक्स वाली ही होगी। अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड नहीं बताया तो जिंदगी आसान किस में है, बस स्ट्रेट लाइन है। ये मसला ओके 6750 इस पे पेनलाइज नहीं करेगा कि इसको टैक्स के रूल्स क्यों नहीं पता। अगर देखें असल में ना वो आपसे बीएफडी के अंदर कैलकुलेशंस चेक कर रहा है, टैक्स का नॉलेज नहीं चेक कर रहा, और प्लांट की लाइन हो गई 0 पे 150 और 5 3 2 5 0 4 3 4 4 3 7 4 5 4 7 8 4 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7
10172 बाकी और लाइन ठीक लगाई हुई और 10172 और ये क्या बन गया 44828 बाकी फिगर्स और डिस्काउंट रेट था 11% देखिए एनपीवी अच्छा एक बात जो आप बेशक दोबारा सॉल्व क्या करना है जबानी लिख लीजिएगा अपने पास लेकिन लिख लीजिएगा हो सकता है सवाल में कहा होता कि टैक्स नेक्स्ट ईयर पे होता है तो फिर इस सारे पे क्या फर्क पड़ता एक तो टाइमलाइन 5 हो जाती और ये जो टैक्स की फिगर्स हैं ये इधर 5 आ जाता यार ये पूरा हो गया कवर पूरा प्रॉपर हो गया ना कवर ये हो जाता 7116 यहां पर 10172 10172 6563 6750 ये फर्क पड़ जाता और अब कॉलम बना ही लिया है तो इसको इधर खिसका दें नहीं ये तो आखिरी कॉलम में नहीं आता होता हम ईयर 4 में बेचेंगे तो यही इनफ्लो आएगा ये तो सिर्फ टैक्स की वजह से बना है और जब आप इनकी डिस्काउंटिंग कर रहे होंगे तो ये भी इधर आएगा इसकी भी करनी है डिस्काउंटिंग तो अगर टैक्स की पेमेंट के बारे में कहा हो कि वो अगले साल है तो फिर ये फर्क पड़ेगा कि कैलकुलेशन तो ऐसे ही होगी बस उसकी प्लेसमेंट आगे हो जाएगी और लिखें सवाल है नहीं नहीं क्लास में अभी बुरा टाइम पड़ा यार छोटा सा सवाल रॉजर की लाइफ 9 साल
नहीं नहीं छोटा सा सवाल है, 4 साल बस प्रोजेक्ट की लाइफ, 4 साल। कॉस्ट ऑफ प्लांट $140,000, रेजिडेंशियल वैल्यू $30,000, सेल्स ईयर वन में 90,000, ईयर टू में 110,000, ईयर थ्री 120,000 और ईयर फोर 130,000। सेल्स क्या हो गई? 90, 110, 120 और 130। वेरिएबल कॉस्ट 42,000, $51,000, 54,000 और 56,000। A machine will be obtained on lease. A machine will be obtained on lease, यानी किराए पे लेंगे एक मशीन। And following rents will be paid in advance. इसका मतलब है at start of year, यानी जिस साल का rent होगा उस साल के शुरू में देंगे। ईयर वन का रेंट नहीं बता रहा हूं, ईयर वन का रेंट 9,000, ईयर टू का रेंट 12,000, ईयर थ्री 16,000 और ईयर फोर 18,000 अदर फिक्स्ड कॉस्ट। Other fixed costs 4,000 per year. Tax depreciation 25% reducing balance, 25% reducing balance or tax rate 20%, 20%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जितना मर्जी रख लें, कितना रख लें, 13%, चले 13% मुझसे एनपीवी रिक्वायर्ड है। पहले साल 25%, 35,000, ईयर
26250 78750 19688 59062 14766 44296 RV 30 तो 14296 लॉस। सेल्स 90 110 120 130 वेरिएबल कॉस्ट 42 51 54 56 बाकी फिक्स कॉस्ट 4000 और मशीन का रेंट 9 लेकिन पहले साल के स्टार्ट में पे करना है यानी टाइम जीरो पे। अच्छा ये ईयर जीरो नहीं लिखा हुआ, ये टाइम लाइन है तो अभी के अभी पे कर देना है इसलिए टाइम जीरो पे 9000 12 16 और 18 डेप्रिसिएशन 35 26250 19 688 14766 और लॉस ऑन डिस्पोजल 14296 यहां तक पहुंचे। फिर रेंट वाली एक बात बताता हूं, ये जो पॉइंट अब बताने लगा हूं या आईकैप के क्वेश्चंस में अक्सर नहीं तो मल्टीपल टाइम्स उनसे गलत मैनेज हो गया ये पॉइंट सॉल्यूशन में, एक ये गलती हो जाती है अक्सर। क्या हो गया समझ नहीं आई? हाँ मतलब पेपर तो उस गलत वाले के मुताबिक ही चेक होगा। चले इस पे अगली क्लासेस में करूंगा बात कि जो गलत हो गया उसका क्या करना है। हाँ जी
अच्छा, ये जो इस वक्त नीला नीला लिखा है ना, ये टाइम लाइन है, ये इस टाइम लाइन के ऊपर कैश फ्लोस प्लेस्ड हैं। जैसे हम इस तरह बना तो नहीं रहे होते, लेकिन वैसे आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर ईयर्स देखेंगे तो ईयर्स कुछ इस तरह से हैं, चौथे साल के ये कैश फ्लोस चौथे साल के ही हैं, लेकिन चौथे साल के एंड पे होंगे। लेकिन ये वाला 18,000 है ईयर फोर का ही, ईयर फोर, लेकिन है ये टाइम थ्री पे प्लेस्ड। ईयर की बात करेंगे तो ईयर फोर का कैश फ्लो है, लेकिन टाइम लाइन पे ये ईयर फोर के स्टार्ट पे होने की वजह से पॉइंट थ्री पे प्लेस्ड है। टैक्स वालों को हम हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कैश फ्लो है, साथ साथ बच्चों को भेज के टैक्स जमा कराते रहते हैं। टैक्स कब कैलकुलेट होगा? वो साल के एंड पे, और उस साल के जो भी इनकम एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो साल के शुरू में पे हुआ हो चाहे एंड पे, उस साल के एक्सपेंस और उस साल की इनकम पे प्रॉफिट निकलेगा। तो अगर अभी इस वक्त जो यहाँ कैश फ्लोज लिखे हैं, यही वाले मैंने यहाँ लिख लिए, जो कि 32,000 है, 39,000 है, 44,000 है, 70,000, और इन्हीं के ऊपर अगर टैक्स कैलकुलेट कर लिया तो इसमें गलती हो जाएगी। गलती क्या हो जाएगी? गलती ये हो जाएगी कि ये जो 39,000 लिखा हुआ है, ये ईयर टू की सारी चीजें नहीं है। इसमें ये ईयर टू के हैं, जबकि ये ईयर थ्री की चीज है जो टाइम टू पे प्लेस्ड है, लेकिन ताल्लुक इसका ईयर थ्री से है। यानी अगर हम एक्सपेंसिव इनकम की बात करें ना, ये ईयर थ्री की आइटम्स है, ये ईयर टू की आइटम्स है, ये ईयर वन की आइटम्स है। टाइमलाइन अलग अलग है क्योंकि ये एडवांस में पे हो रहा है, लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट होगा, जब प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, तो वो ईयर के हिसाब से होगा। और वो जो आपको टैक्स के तीन तरीके बताए हैं, ये चीज इसमें ही पकड़ी जाएगी, बाकियों में हो जाएगी लेकिन मुश्किल तरीके से होगी, इसलिए तीसरा तरीका प्रेफर करने को कहा है। तो ये जो अभी इस वक्त 39 है, ये ईयर टू की सही फिगर कैश फ्लो तो ठीक है टाइम टू की, लेकिन ईयर टू का प्रॉफिट नहीं है। इसको ईयर टू का प्रॉफिट बनाने के लिए इस 16 की जगह 12 लेना पड़ेगा। तो अभी इनमें से ये पेमेंट्स डिडक्टेड है, इनकी जगह हम एक्सपेंस ले आते हैं। जो रेंट पेमेंट्स इसमें से डिडक्टेड है वो एडबैक कर देते हैं। ये 32 में से क्या लेस हुआ हुआ है? 12, वो एड बैक कर देते हैं। इसमें से 16 लेस हुआ हुआ है, इसमें से 18 लेस हुआ हुआ है, इसमें से कुछ भी नहीं लेस हुआ हुआ, जो कि इनका रेंट प्रॉफिट के एतबार से बनता है वो माइनस कर देते हैं। इसका 9 है, इधर 12 है, ये 16 है और ये 18। अब सही प्रॉफिट और सही टैक्स कैलकुलेट होगा। कैश फ्लो के एतबार से ये 18 टाइम थ्री का है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट कैलकुलेशन के एतबार से ये टाइम थ्री पे लिखा हुआ है ये, लेकिन ये ईयर फोर से रिलेटेड है। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में इनकी टाइमिंग ठीक करनी पड़ेगी। ये निकल आएगा 90. कितना? हाँ, नेगेटिव 9,000 नेगेटिव, जीरो है। अच्छा, अगर नेगेटिव आ जाता तो उस पर होगी अगली क्लासेस में बात। नहीं यार, डबल टू बस आगे तो पूरा कर लेंगे। इस पर टैक्स कैलकुलेट होगा
और वो टैक्स वहां लिख के और आगे प्लांट की लाइन और एनपीवी कर लेंगे। ठीक है, चले कर लेंगे आप। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।